आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लालगंज पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष रतन गुप्ता का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर लालगंज जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि रतन गुप्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है, रतन गुप्ता पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि रतन गुप्ता को पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष बनाए जाने से इस वर्ग में काफी खुशी का माहौल है। इसी क्रम में पदाधिकारी व कार्यकर्ता आभार व्यक्त करते हुए रतन गुप्ता ने कहा कि आप लोगों के प्यार व आशीर्वाद से मुझे ये पद मिला है। मैं पूरी ईमानदारी से अपने इस पद की गरिमा बचाते हुए पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी की झोली में लोकसभा चुनाव में क्षेत्र के प्रत्याशी को जिताकर सीट देने का काम करेंगे। और इस मौके पर शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। न्यूज 9 भारत के लिए आजमगढ़ से अमित खरवार की रिपोर्ट। पिछड़ा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रतन गुप्ता जी का स्वागत कार्यक्रम है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा श्री रतन गुप्ता जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। निश्चित रूप से इनको नए कार्यकाल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है बहुत सराहनीय है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए लगातार कार्य करती रहती है। और अमीर भाई रतन गुप्ता जी लगातार सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं और पहले भी पिछड़ा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर काम कर चुके हैं। और लगातार इनकी सामाजिक छवि चाहे मधेशिया वैसे समाज में रही हो, चाहे और किसी भी कार्यक्रमों में रहा हो, बहुत चढ़ बढ़ करके भाग लेते हैं और समाज हित में लगातार कार्यरत रहते हैं। ऐसे में इनके मनोनयन से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में इनका पूरा का पूरा समाज और पिछड़ा वर्ग जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मतदान करता रहता है, निश्चित रूप से इनके साथ आने से और मजबूती बढ़ेगी और हम लोग आगामी चुनाव लालगंज लोकसभा का जीतेंगे। इनके लिए केवल वैसे समाज ही नहीं, समूचा पिछड़ा समाज रतन गुप्ता जी संभालें और लगातार लग करके वैश्य समाज से लगाए हुए जो भी अन्य जातियां हैं वैश्य समाज से लगाए, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो मौर्य समाज हो, चाहे वो चौहान समाज हो, हर एक समाज जो पिछड़े वर्ग में आता है उसके लिए रतन गुप्ता जी लगातार कार्य करेंगे। हमारा एक फ्रंटल संगठन है जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन्हें निश्चित रूप से नए कार्यकाल की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और इनके बनने से निश्चित रूप से एक पिछड़ा मोर्चा में एक बल मिलेगा और आगे चल करके हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लालगंज का लोकसभा चुनाव जीतेंगे। आज पद मिलने के बाद जनपद में पहली बार आगमन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने समाज को इकट्ठा करेंगे आप? मैं किसी विशेष समाज का नहीं बात करता, मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष। पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी के सभी का सपोर्ट करूँगा, मजबूती से आज आपको पद मिला है, क्या कहना चाहेंगे माननीय शीर्ष नेतृत्व का? शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार दूंगा। इनका अध्यक्ष बनाया गया और पूरा फोकस हम लोग अपने लालगंज जिले में लगाएंगे और जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं सबको एक्टिव करते हैं। हर गांव गांव दो 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 भी जाकर हम लोग योजनाओं को बता करके वोट मांगने का काम करेंगे और भाजपा को बताएंगे। ठीक है। हाथ लगा था सर, हाथ लगा था। सात रंगों में खुद को मिला लीजिए, सात रंगों में खुद को मिला लीजिए, भूल सुनवा सिखा झला लीजिए, जब कलर दीप रोशन कर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।